गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो हेलो माय लविंग चिल्ड्रेन, आप कैसे हो बेटा? आज हम आपको जीके बुक में चैप्टर 9 वाइल्ड एनिमल्स रीड कराएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। तो बच्चों, आप अच्छे से और बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, ओके? टेक आउट योर बुक। वाइल्ड एनिमल्स, आप जानते हो वाइल्ड एनिमल्स क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे जंगलों में रहते हैं, ठीक है? और उनको देखने के लिए हम डायरेक्ट जंगल में तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अचानक उनके सामने अगर हम आ जाते हैं तो वो एनिमल्स अचानक हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं, हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो बच्चों, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोरिल्ला, लायन। लायन क्या होता है हमारा? लायन हमारा किंग ऑफ द जंगल, यानी कि ये जंगल का राजा होता है। लायन कौन है? जंगल का राजा है। तो दिस इज़ लायन। स्क्वायरल, कैंगरू। कैंगरू ऐसा हमारा वाइल्ड एनिमल होता है जो अपने बेबी को अपने पाउच में रखता है, यानी कि इसकी बॉडी में एक पाउच होता है जिसमें अपनी स्मॉल बेबी को रखता है। दिस इज़ कैंगरू। नेक्स्ट, दिस इज़ टाइगर। दिस इज़ टाइगर। एलिफेंट, मंगूज, पाइथन, जिब्रा। बेटा, जिब्रा ऐसा एलिफेंट ऐसा एनिमल होता है जिसके पूरी बॉडी में स्टेप्स होती हैं। क्या होती हैं? पट्टी होती हैं। देखिए, इसके में वाइट और ब्लैक की पट्टी है ना, ये हमारा कौन सा एनिमल है? जेब्रा। स्नेक, डियर, जिराफ। अब बेटा, जिराफ देखो, जिराफ हमारा ऐसा एनिमल होता है जिसकी ये नेक जो है बहुत ही लंबी होती है। नेक हमारी क्या होती है? बहुत ही लंबी होती है। जिराफ एनिमल की जो गर्दन होती है सबसे बिग लॉन्ग होती है, ओके? दिस इज जिराफ। फॉक्स, दिस इज फॉक्स। फॉक्स क्या है? फॉक्स हमारी बहुत क्लेवर होती है। फॉक्स हमारी लोमड़ी होती है। क्या कहते हैं इसको? लोमड़ी कहते हैं। दिस इज फॉक्स। दिस इज हिप्पोपोटामस। क्या है? हिप्पोपोटामस। हियर, फिर राइनोसोर्स, स्टैग, बियर। वोल्फ, वोल्फ हमारा क्या होता है? भेड़िया। वोल्फ, लियोपर्ड। देखो, इसकी बॉडी में स्ट्रिप्स तो नहीं होती हैं, लेकिन चित्तीदार इसकी स्किन होती है, होती है ना। नेक्स्ट है हमारा मंकी, पोलर बियर। ये क्या है? चिंपैनीज। क्या है ये? चिंपैंजी। क्या है ये? चिंपैंजी। नेक्स्ट, टर्टॉइस। तो बच्चों, हमने ये डिस्कस किया, एक्सप्लेन भी किया कि वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं। आइए, इसी चैप्टर से रिलेटेड हमारे कुछ एक्सरसाइज हैं। विच एनिमल कैरीज इट्स बेबी इन इट्स पाउच। ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपने बेबी को अपने बॉडी में जो पाउच होता है उसमें रखता है? तो बताइए कौन सा है? कैंगरू। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? कैंगरू राइट करेंगे। नेक्स्ट है, विच एनिमल इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। इसमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जो किंग ऑफ द जंगल, यानी जंगल का राजा कहा जाता है? कौन से एनिमल को जंगल का राजा कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं, अब लॉयन। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे? लॉयन राइट करेंगे। नेक्स्ट है, विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग नेक। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी नेक बहुत ही लंबी होती है, गर्दन बहुत ही लंबी होती है? तो वो एनिमल कौन सा है हमारा? बताइए, जिराफ। तो यहाँ जिराफ राइट करेंगे। नेक्स्ट है, विच एनिमल हैज़ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी बॉडी में स्ट्रिप्स होती हैं? जैसा कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया और बताया भी कि जिब्रा हमारा ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी में स्ट्रिप्स होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? जिब्रा। नेक्स्ट, विच एनिमल्स जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री। अब देखो, ये एनिमल्स हम लोगों के आसपास भी हम लोग देखते हैं। ये कैसा एनिमल्स है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप करता है और बहुत तेज से जंप करता है? बताइए, मंकी। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? मंकी। तो बच्चों, आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है, प्लस इसके साथ आपको वाइल्ड एनिमल्स के नेम भी विथ स्पेलिंग लर्न करने हैं और इस क्वेश्चन आंसर को भी लर्न करना है, ओके बेटा? आई होप आप सब समझ गए होंगे, ओके? बाय। थैंक यू माई लव चिल्ड्रेन। बाय बाय।